यदि आप भी अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो इन 5 बुरी आदतों को आज ही छोड़ें। पहला है आलस्य। यदि आप अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो आलस्य त्याग दें, यह आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। जरा सोचिए, आपकी एक महत्वपूर्ण मीटिंग है जिसमें आप अपने लेजी बिहेवियर के कारण लेट हो जाते हैं। इससे न सिर्फ आप एक अच्छा अवसर गंवा देंगे बल्कि कोई आप पर समय पर आने के लिए भरोसा नहीं करेगा। इसलिए सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो जीवन में आलस्य त्याग दें। आलोचना पर ध्यान न दें। आपको अपने आसपास ऐसे लोग आसानी से मिल जाएंगे जो आपकी पीठ पीछे आलोचना करते रहते हैं, या आपके पड़ोसी या रिश्तेदार कोई भी हो सकता है। अक्सर हम कोई काम करने से पहले अगर यह सोच लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे, यदि हम असफल हो गए तो आप उस कार्य को मन से नहीं कर पाते। इसलिए दूसरों की निंदा से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप अच्छा करते हैं तब भी ऐसे लोग उसमें बुराई ढूंढ लेते हैं। इसलिए आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। हर बात पर खुद को दोषी ठहराना। जब आप में आत्मविश्वास की कमी होती है तो आप खुद में दोष ज़्यादा ढूंढते हैं, जबकि यह सही नहीं है। हर एक सफल आदमी ने कभी ना कभी असफलता देखी है, इसलिए आप हर असफलता के लिए खुद को दोषी ठहराना बंद कर दें। इसके बजाय अपनी कमियों को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करें। बदलाव से न डरें, चाहे आपकी उम्र कोई भी हो। यदि आप नई तकनीक को अपनाने, नए कौशल सीखने या नए विचारों को आजमाने के लिए तैयार नहीं हैं तो दुर्भाग्य से आप पीछे छूट जाएंगे। आज दुनिया आगे बढ़ रही है और पहले से कहीं ज़्यादा तेजी से बदल रही है, और जो लोग बदलाव इनकार करते हैं वह सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए रिस्क लें, नई चीज़ों को आजमाएं और बदलाव से डरे नहीं, यह आपके अच्छे के लिए हो सकता है। खुद को नकारात्मक होने से रोकें। यदि हर काम को करने से पहले आपके मन में नकारात्मक विचार आने लगते हैं तो यह एक बुरी आदत है। आप ऐसा ना समझें कि जिंदगी में सारे दुख आपके ऊपर ही है, बल्कि यह समझें कि हर दूसरा व्यक्ति इससे पीड़ित है। इसलिए कार्य को शुरू करने से पहले मन में नकारात्मक विचार न लाएं और मुसीबतों का हंसकर सामना करें। तो ये थी 5 बुरी आदतें जिसे आप छोड़कर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं।